तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का ऑफिस डूब चुका है, आगे स्टाफ रूम का जो स्टाफ रूम है वो डूब चुका है, उससे आगे का जो है मतलब कहीं भी जितने कमरे हैं या बच्चों के लिए है सब कुछ डूब चुका है। क्या आगे रोएं, किसके आगे क्या करें जी, हम तो ये है प्रिंसिपल साहब को बोल सकते हैं। अच्छा। भाई मान लो ये करवाओ कोई सावधान इसको। तो प्रिंसिपल का ऑफिस तो डूब गया है, फिर आज प्रिंसिपल कहाँ बैठे, आईजी कॉलेज के अंदर। भाई हमने सोचा था कि जो सड़कें जलमग्न है, पूरा शहर जलमग्न है, लेकिन शिक्षा का जो बड़ा मंदिर है कॉलेज, यहाँ पर तो व्यवस्था मिलेगी क्योंकि बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आए तो भाई मतलब हैरानी की भी हद होती है कि मैंने तो कोई, अपन इतना जोर लगाते हैं धर्मशालाएं देखो इतनी इतनी ऊंची बना रखी है, कोई भी धार्मिक स्थान है या कुछ भी हम सार्वजनिक है वो इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, लेकिन शिक्षा का मंदिर आप देखोगे तो भाई देखो आप देख ही रहे हो इससे ऊपर तो और क्या दिखाना। ये देखिए कैसे रोल नंबर तैर रहे हैं ये जो बच्चों के हैं, और ये लिस्ट लगी हुई आप देख सकते हैं। और आइए, सिर्फ बाहर का दृश्य नहीं है, कॉलेज के अंदर है, और अंदर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आप सोचते होंगे पेपर देने के लिए बच्चे यहाँ पर कैसे आए होंगे, एक बार आप दिखा दीजिए। ये देखिए ये ऑफिस के हालात है, ये देखिए आगे प्रिंसिपल ऑफिस है, आगे ये जो है यहाँ पर क्लर्क का वो है कामकाज होता है। तो मेरे साथ आए हैं, क्या नाम आपका जी भाई? तो आप पानी में जूते वगैरह भीग गए, तो क्या क्या व्यवस्था, क्या व्यवस्था है ये? व्यवस्था जी बस ठीक ही है जी। क्या क्या परेशानी आई आज? आज परेशानी आ जी शहर में अंदर आते ही परेशानी आ जी, शहर वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। तो शहर पानी से भरा हुआ था, लेकिन उम्मीद थी भाई कॉलेज में तो चलो अच्छा मिलेगा, कॉलेज में अच्छा मिलेगा, जूते लेकर आना पड़ा अंदर। अच्छा, महंगे जूते थे? महंगे जूते तो कोई नहीं जी, वह अपने दिक्कत होगी जी, दुर्गा नरवाना से आ रहे थे। अच्छा, नरवाना से आए थे। हाँ जी, वो लिस्ट लग रही थी ऑनलाइन एग्जाम की। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम एग्जाम देने के लिए जो फॉर्म भर के थे उसमें गलती हो गई थी, उसमें अपने ठीक करने के लिए दोबारा बुलाए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कॉलेज के अंदर, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े तालाब के अंदर है। और आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है वहीं तक पानी ही पानी है। माना कि जो सड़कें हैं या फिर कोई बाहर का एरिया है वहाँ पर पानी रुक सकता है, मान लेते हैं, लेकिन एक कॉलेज, एक शिक्षा का मंदिर जहाँ पर हज़ारों जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हालांकि आज एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं एक शिक्षा के मंदिर में भी जो है यहाँ पर नॉर्मल रूप से हम नहीं आ सकते। और आगे देख सकते हैं कैसे जो यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है वो भी बैठे हुए हैं, आइए एक बार आपकी बात भी करवाएँगे। फ़िलहाल के लिए आप देख भी सकते हैं कितनी जो लंबाई में है, आप देख सकते हैं आगे जहाँ बच्चों के बैठने के लिए रूम है, हालांकि पेपर चल रहे हैं। तो ये देखिए किस प्रकार का जो सिस्टम है यहाँ पर, एक व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं। सर आप किस पोस्ट पे हैं भाई? मैं तो स्वीपर हूँ सर। तो क्या लग रहा है आज, लगता नहीं आपको यहाँ तो किश्तियाँ होनी चाहिए थी? बस भी पूछो ना, बहुत बुरा हाल है जी, क्या करें। हाँ जी, किसके आगे रोएं, किसके आगे क्या करें जी, हम तो ये प्रिंसिपल साहब को बोल सकते हैं। अच्छा। भाई मान लो ये करवाओ कोई सावधान इसको। तो प्रिंसिपल का ऑफिस तो डूब गया है, फिर आज प्रिंसिपल कहाँ बैठे? प्रिंसिपल साहब यहीं कहीं उधर बैठे होंगे क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना भाई। अच्छा, ताकि मतलब बच्चों के। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का ऑफिस डूब चुका है, आगे स्टाफ रूम का जो स्टाफ रूम है वो डूब चुका है, उससे आगे का जो है मतलब कहीं भी जितने कमरे है या बच्चों के लिए सब कुछ डूब चुका है, ऐसा लग रहा है। और मैं तो इनकी बहादुरी मानता हूँ कि इस व्यवस्था के अंदर भी ये बैठे हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक व्यवस्था जो आपको दिखाई है, जो शिक्षा का मंदिर हमने आपको दिखाया है, उसको लेकर आप भी ज़रूर सोचने पर मजबूर हो गए होगे कि ये क्या व्यवस्था, ये कैसी व्यवस्था कि जहाँ पर एक शिक्षा के मंदिर में छात्र छात्राएं पेपर देने के लिए भी अगर आएँ तो उनको भी इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो ऐसी व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था कहेंगे, ये नाम आप दे सकते हैं। तो फिलहाल टोहाना का आईजी कॉलेज, और आप समझ गए पूरी वीडियो देखकर, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, दिखाएं भाई शिक्षा का मंदिर को भी ऊपर उठाओ। अगर हम कोई धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई और चीज़ें बनाते हैं, कोई धार्मिक बिल्डिंगें बनाते हैं, जब उनकी कुर्सी हम इतनी इतनी ऊपर उठाते हैं तो भाई शिक्षा के मंदिर में यहाँ क्या कमी है, इनको भी बहुत ऊँचा उठाना चाहिए ताकि पानी यहाँ ठहरे ना। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। शिक्षक ये स्टाफ देख सकते हैं आप, स्टाफ छत पे है, ये देखो वो देख लीजिए, स्टाफ छतों पर चढ़ गया है, क्या करें, स्टाफ की भी इसमें क्या कमी है कि यहाँ पर नीचे तो रुक नहीं सकते और ना ही कोई किश्ती का जुगाड़ है, तो वो नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो कैसे आएंगे, आप सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।